हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता अपने यूट्यूब चैनल आर क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। विंटर गार्डन में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि बहुत सारे पौधे लगाने होते हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। आज के मौसम में गर्मी में इस तरीके से फ्लावर नहीं आ पाते हैं हमारे गार्डन में, तो उनकी तैयारी भी हम उसी तरीके से जोर शोर से करते हैं। पुराने गमले की हमारी जो मिट्टी थी फ्रेंड्स, उसको हम धूप में फैलाए हुए थे। धूप में डालने के बाद मिट्टी जब धूप लग जाती है 5-6 दिन की, तो उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है फ्रेंड्स। उसी मिट्टी में, पुरानी मिट्टी में ही हम वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, नीम खली और जाइम, जैविक जाइम है फ्रेंड्स, मिला दे रहे हैं, पूरी मिट्टी में मिक्स कर दे रहे हैं। हम इस बार, हमारी मिट्टी काफ़ी वेल रन थी, तो इसलिए हम इस बार ना तो राइसस का और ना ही सेंड मिला रहे हैं, क्योंकि पहले ही काफ़ी वेल रन थी। और इस बार जब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट, बोन मील तो ज़्यादा नहीं, केवल आधा किलो तक ही डाले हैं, और नीम खली मिला रहे हैं, तो उससे भी हमारी मिट्टी हल्की भी होगी और रिच भी हो जाएगी फ्रेंड। तो हम इसलिए राइस हस्क और सेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, गमले में जब कोई ढिड़की वगैरह रखने के बाद उसके गमले के होल पे 2 मुट्ठी तक राइस हस्क गमले में डाल देंगे, क्योंकि उससे हमारी मिट्टी भी बची रहेगी, नहीं गिर बहेगी पानी से, और वो धीरे धीरे जैसे कंपोस्ट बनती जाएगी, सड़ती जाएगी, तो पानी पड़ने से कंपोस्ट भी होता जाएगा, तो वो हमारे पौधे के लिए अच्छा होगा। मिट्टी में बराबर से खाद को मिक्स कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास है, हमारे पास तो अभी है नहीं, अगर हो आपके पास तो आप इसमें कोई भी फंगीसाइड यूज कर सकते हैं। मिट्टी में ही हल्का सा डाल दें फ्रेंड, जिससे हमारे प्लांट में कोई बीमारी ना लगे। और ये हमारे पौधे हैं फ्रेंड, और ये गमले हम परसों ही लाए थे, उनको पेंट कर लिए हैं। पौधा लगाने के पहले ही अगर हम गमला पेंट कर लेते हैं फ्रेंड, तो हमको सुविधा होती है। लगाने के बाद पौधे लगे रहते हैं तो पेंट करने में असुविधा होती है, पौधे भी टूटने का डर होता है और ढंग से पेंट भी नहीं हो पाता। तो हम, ये नए हमारे प्लांटर थे, तो हम इनको पहले ही पेंट कर लिए हैं, आज उसी में हम पौधे लगा दे रहे हैं। तो अब हमारे पौधे रिपोर्ट होके कम्प्लीटली तैयार हो गए हैं, और इनमें अब प्लांट लगाने के बाद फ्रेंड्स पानी अच्छे से डालिए, ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे इतना पानी डालिएगा। कुछ पौधे जैसे मुरझा से गए हैं, पत्तियां बहुत ज़्यादा लटक गई, अभी तो आप उसमें पानी डाल दीजिए, लेकिन शाम हो जाए तब, जब दिन डूबने लगे, अभी थोड़ा सा सूरज है तो, और थोड़ा सा दिन डूबने लगे तो स्प्रेयर से हल्का सा पौधों पे स्प्रे कर दीजिए, तो उनसे पत्तियां भी जल्दी एनर्जी ले लेती हैं और खड़ी हो जाती हैं पत्तियां। ये जो सैलेड पत्ती वगैरह हैं, जो छोटे छोटे प्लांट हैं फ्रेंड, इनमें पानी डालने के बाद स्प्रे मत करिएगा। गेंदे वगैरह के प्लांट जो हैं, बस उन्हीं पे स्प्रे करिएगा। पानी डाल के फ्रेंड्स, कुछ गमलों में जैसे मिट्टियाँ भरी हुई हैं तो मिट्टी बैठेगी अभी, तो हल्का सा टैप कर दीजिएगा जिससे मिट्टी बराबर बढ़ जाए, एयर ना ले, नहीं तो पौधे एक साइड में लटक जाते हैं और वो पौधे खराब होने के डर होते हैं कि वो मर ही जाते हैं फिर। तो
आज का हमारा गार्डनिंग का काम यहीं पे ख़त्म हो रहा है, पानी डाल के पौधों में। फाइनल तरीके से हमारा गार्डन इस तरीके से आपके सामने आ रहा है फ्रेंड, जो आज का है, आज हमने लगाए हैं। इनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा हमारा गार्डन। थैंक यू फ्रेंड्स।